उत्तराखंड की सीमा से लगती चीन और नेपाल की सीमा से घुसपैठ को रोकने के लिए पुलिस विभाग सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने जा रही है। योजना के तहत विभाग जल्द ही पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के 5 विकास खंडों मुनस्यारी, धारचूला, कनाली छोना, जोशीमठ और भटवाड़ी के सीमावर्ती क्षेत्र में 16 पुलिस चौकियां खोलने जा रही है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव पास होते ही विभाग इस दिशा में काम शुरू कर देगा। उत्तराखंड के 3 सीमांत जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के सीमावर्ती कई गांव अभी पलायन की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में यहां घुसपैठ की संभावना बनी रहती है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार सीमावर्ती 51 गांवों को वाइब्रेट विलेज योजना में शामिल कर यहां सुविधाएं बढ़ाने जा रही है। इन गांवों में आजीविका विकास, घर और ग्रामीण अवस्थापना, पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार, सड़क कनेक्टिविटी और कौशल विकास आदि कार्य किए जाने हैं। इन गांवों में रहने वाले नौजवानों को नजदीक ही आजीविका के साधन मिले ताकि पलायन रोका जा सके और रिवर्स पलायन हो। चीन और नेपाल सीमा पर पुलिस चौकी खोलने का उद्देश्य सूचना का आदान प्रदान करना है। इन पुलिस चौकियों में पुलिस जवान वायरलेस और रिपोर्टर सेट से लैस होंगे। उत्तराखंड के 3 सीमांत जिलों पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में कुल 658 किलोमीटर सीमा चीन व नेपाल से लगती है। केंद्र सरकार की योजना है कि यदि सीमा पर पलायन रोका जाए तो घुसपैठ के खतरे को कम किया जा सकेगा। वह अलग बात है कि पूर्व की सरकारों ने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वर्तमान सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से इस ओर काम शुरू कर दिया है।